दोस्तों आज मैं आपको इस फिश रिबिन से जो है फ़िश बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको इस तरह से फिश रिबिन चाहिए जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मीटर के हिसाब से ही मिलती है। और इस तरह से जो है आपको एक जो है पट्टी चाहिए जो 12 इंच की हो, और ये इस तरह से कैंची चाहिए। बस इतना ही सामान चाहिए। अगर आपको और कुछ डेकोरेट करना है तो उसके लिए आप जो है अलग अलग तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसका आप वॉल हैंगिंग, वॉल पेपर कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। बहुत ही आसान और सरल तरीका है, तुरंत सीख जाएंगे आप। ये इस तरह से जो रिबिन है इसको इस पट्टी की सहायता से पूरा 12 इंच तक हमें नाप लेना है। ऐसे हमें जो है दो पट्टियाँ लेनी है। चलिए फिर जानते हैं किस तरह से बनाना है। ये देखिए इस तरह से जो है दो पट्टियाँ बना लेनी है, और ये जो है ये किनारे है इन्हें हमें तिरछा कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कर लिया है, ये देख सकते हैं दोनों तरफ के किनारे मैंने कर लिए हैं। इस तरह से हमें ये दो पट्टियाँ लेनी है। इस तरह से जो सीधी पट्टी है उन्हें उसे नीचे रखना है, और जो ये देखिए दूसरी उसके ऊपर इस तरह से क्रॉस के निशान में हमें रखना है। और फिर ऊपर से इस तरह से नीचे हमें इसे ले लेनी है, और नीचे से इस तरह से ऊपर हमें इसे ले लेनी है। और ये जो साइड से है इसे इस तरह से हमें इसके अंदर डालना है। ये जो है इससे साइड वाली को हमें इसके अंदर इस तरह से डालना है। ये देखिए दोबारा से आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये एक सीधी रखनी है, एक इस उसके ऊपर रखनी है, दोनों तरफ आधी आधी होनी चाहिए। ऊपर की तरफ आधी, नीचे की तरफ आधी, इस तरफ आधी और इस तरफ आधी। ये इस तरह से जो है ऊपर से नीचे करनी है, ये नीचे से इस तरह से ऊपर करनी है। ये देख सकते हैं आप। और ये जो है ये जो है हमने गोल बनाया है इसके अंदर इसे डाल देना है, और इस तरफ का जो है इसे भी हमें इस तरफ से अंदर की तरफ डाल देना है। नीचे रखकर इसे आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वरना आप इसे इस तरह से हाथ में पकड़कर भी कर सकते हैं। अब जो है ये चारों पट्टियाँ हमें धीरे 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 खींच लेनी है। देखिए धीरे धीरे इस तरह से हाथ में आप इस तरह से पकड़िए और इस तरह से धीरे धीरे खींचिए। मैंने जिस तरह से पकड़ा है उस तरह से पकड़िए। इस तरह से बाकी की उंगलियाँ नीचे, अंगूठा ऊपर, और ये देखिए बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से पूरी तरीके से जो है ये बन गया है। ये देखिए इस तरह से नीचे भी। अब जो है ये जो है नीचे की तरफ जो बना है इसमें जो ऊपर की तरफ है इसके नीचे एक और पट्टी है, उसमें हमें ये डाल देनी है। और ये साइड इसकी साइड साइड से जो है उसको भी हमें इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। और फिर धीरे से खींच लेना है, धीरे से खींच लेना है, धीरे से खींच लेना है, धीरे धीरे खींचना है, ज़्यादा जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। ये देखिए ये इस तरह से मछली का आकार जो है आने लगा है। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से मछली का आकार आने लगा है। अब जो है इसके आगे हमें ये जो साइड की जो है ये देखिए 1 2 3 4 ये हमें इसके ऊपर, ये नीचे है इसके ऊपर हमें इस तरह से लेनी है। पकड़ के रखिए अंगूठे से और नीचे की उंगली से। ये जो इस साइड की है इसके नीचे से हमें इस तरह से लेनी है, इसके ऊपर से हमें इस तरह से इसको लेना है, ठीक है। और ये वाली जो है ये देख रहे हैं ये सीधी ही है, अभी इसको सीधी ही रहने देना है। ये जो है ये भी इसको हमें इस सीधी वाली के नीचे से निकाल लेना है। आपने अब तक मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बटन पर दबाइएगा और फिर घंटे के बटन पर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैंने मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। प्लेलिस्ट है बहुत सारी मेरे चैनल पर, आप उन्हें भी देख सकते हैं।
मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, ब्यूटी टिप्स डाली हुई हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यू डाले हुए हैं, पतंजलि प्रोडक्ट्स के रिव्यू डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और अगर आपको पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सीधी वाली के नीचे से धीरे धीरे निकाल लेना है और धीरे धीरे खींचना है। ये देखिए, खींचना है, खींचना है, खींचना है, टाइट कर लेना है हमें। ये देखिए, एक दो तीन चार, दोबारा से जो चारों तरफ अलग अलग आ गई, हमें इसे अब उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद ये बड़ी वाली पट्टी आप देख सकते हैं, इसे टाइटली खींच लेना है। ये देखिए, ढीली नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे खींचना है ताकि रिबन का शेप जो है वो ख़राब ना हो। इसे फिर इसे उल्टा कर लेना है, और ये जो है इसके नीचे, ये देख सकते हैं आप, ये बड़ी वाली ये पट्टी दिख रही है, इसके नीचे एक और छोटी सी पट्टी है, इसके नीचे से हमें ये वाली जो है इसे निकालना है इस तरह से। और निकालते समय ये सामने से जो है इसको भी इसके अंदर से निकाल लेना है, ये सामने वाली हमें इसके अंदर से निकाल लेनी है। ये देखिए हो गया। धीरे धीरे अब इसे खींचना है, धीरे धीरे खींचना है, धीरे धीरे खींचना है, बहुत धीरे धीरे हमें इसको खींचना है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए हो गया हमारा शेप तैयार। मछली का शेप कितनी आसानी से तैयार हो गया, बहुत ही सरल है। अगर आपको फिर में समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा दोबारा देख सकते हैं। ये देखिए, मछली का शेप तैयार हो गया। ये ऊपर की दो पंखुड़ियाँ ये देख सकते हैं, ये जो ऊपर की दो पंखुड़ियाँ हैं ये है हमारी, और पीछे की हमें दो लगानी है। ये जो है, अगर आपको लगता है कि वो कम ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी है, तो आप उन्हें कट कर लीजिएगा। और कट करने के बाद इस तरह से जो वो टुकड़े बचेंगे, इसे हम पीछे की तरफ उनके पर लगाएंगे। ये मुझे इस साइड के थोड़े बड़े लग रहे हैं, इसलिए मैं उनको काट लेती हूँ अभी। लेकिन काटने से पहले अच्छी तरीके से दोनों को धीरे 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 अच्छे से खींच लेना है। ये देखिए, शेप आ गया है अच्छे से। इस साइड के मुझे थोड़े बड़े लग रहे हैं, इसलिए मैं उसको कट दे रही हूँ। ये देखिए, अब जो है हमें ये पीछे जो है इस तरह से, ये पीछे जो है पर मछली के पर, इसे हमें लगाना है। तो ये इस तरह से जो पट्टियाँ हैं छोटी छोटी बची हुई, इसको हमें ये इस मछली के पीछे की तरफ हमें लगा देना है। इस तरह से निकाल लेना है, और फिर मछली को घुमाना है, और फिर अच्छे से दूसरी तरफ से भी लगा देना है। ये भी आप अपने हिसाब से लंबी या छोटी रख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर तिरछा जो है कट लगा के उस तरह से भी आप इसमें जो है आकार दे सकते हैं। आप चाहे तो छोटी बड़ी दोनों तरफ के अलग अलग आकार इसको दे सकते हैं, पर अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने थोड़े मीडियम आकार के इनके जो है पर बनाए हैं। आप चाहे तो इस तरह से बड़े भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे बड़े बनाए हैं। हमें इसे जैसे कि दीवार में टांगना है या वॉल हैंगिंग बनाना है तो बड़े होंगे तो भी चलेगा। ये अच्छे से कर्व नज़र आएंगे, मतलब अच्छे से गोलाई नज़र आएगी, ये देख सकते हैं। वैसे भी मछलियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनके पर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर जो है आप मछली की ब्लैक मार्कर पेन से आप मछली की आग भी बना सकते हैं, या फिर मनी मोती वगैरह होते हैं उससे आप चिपका कर भी बना सकते हैं। मैं इन्हें ऐसे ही रखने वाली हूँ। बहुत ही इजी और आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि मछली कैसे बनाते हैं। आप जो है इस तरह से ढेर सारी मछलियाँ बनाकर रख सकते हैं। अगर आपको यह पर जो है इस तरह से खुले नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर जो है स्टेपल भी मार सकते हैं। ये देखिए, मैंने स्टेपल मार दिया है, ये भी एक तरीके से बनाया है मैंने। तरीके से अलग अलग तरीके से आप मछलियाँ बना सकते हैं, एक साथ बहुत सारे वगैरह बना सकते हैं, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। या फिर जो विंग चार्म होता है, जो फेंगशुई में विंग चार्म होता है, घंटियाँ लगाकर इस मछली के नीचे घंटियाँ लगाकर आप वो भी बना सकते हैं।